एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रिया व्लॉग्स हिमाचली में, हिमाचल के इस खूबसूरत गांव से, मेरे गांव ध्रुवगढ़ से। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से। तो गाइज, आज है एक स्पेशल सा दिन और आज क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे आगे बताऊँगी। यहाँ पर काटा जा रहा है प्याज टमाटर वगैरह, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बाहर खाना क्यों बन रहा है। तो आज है समदे। जो लोग यहाँ के हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि समदे क्या होते हैं, पर जो लोग बाहर के हैं अगर उनको समझ में नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पर जब कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है कुछ दिन पहले, तो उसी को हमारे यहाँ पर ना समदे बोलते हैं। यहाँ पर अभी दो चूल्हे लगा दिए हैं और इनको हमारी पहाड़ी भाषा में ना टेढ़ा बोला जाता है, जिसमें दो पत्थर रखे जाते हैं और इसमें आग जलाई जाती है। एक पतीले में यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और दूसरे पतीले में अभी गुड़ डाला जा रहा है, जिसको कि हलवे के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर आज 40 से 50 लोगों का खाना बन रहा है और अभी यहाँ पर ना सिर्फ खाना बनाने वाले लोग ही हैं 3-4, और बाकी सब लोग जंगल चले गए हैं लकड़ी काटने के लिए। यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है सामान ले जाने की। जो भी नीचे से सामान मांगा जा रहा है वो सामान मैं उन तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है ना? कुछ लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी सिर्फ बच्चा पार्टी ही पहुँची है और इन्होंने ठेले लाए हैं, मतलब यहीं पर इससे लकड़ियाँ बनाएंगे। यहाँ पर रसोई में सिर्फ लेडीज़ लोग ही बैठे हैं और यहाँ पर बन रहे हैं भठोरू। तो यहाँ पर भठोरुओं को ना बेल के रखा हुआ है, तो किस किस के यहाँ पर ऐसे भठोरू बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर अभी हलवा भी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये सूजी का हलवा है, तो इसे अभी बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और अब इसमें डाला जा रहा है घी। यहाँ पर बन रहे अभी आलू छोले, जिसमें कि अभी प्याज लहसुन वगैरह को भुना जा रहा है अच्छे तरीके से। तो अभी यहाँ पर खाना भी लगभग बनने ही वाला है और अब शायद यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि मैं भी सुबह से यहाँ पर चलते चलते ना थक गई हूँ। अभी यहाँ पर बाकी लोग भी पहुँच गए हैं और हमारे यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए ना गांव का भाईचारा और घर के लोग ही ये लकड़ियाँ वगैरह काटने का काम करते हैं और बाकी काम भी करते हैं। अब जंगल से लकड़ियाँ लाने का काम भी कंप्लीट हो गया है और अब सिर्फ लकड़ियों को ना फाड़ना रहता है, और सभी लोग यहाँ पर अभी बैठ गए हैं। तो अब जब तक खाना खाने के लिए बैठते हैं तब तक ना जलेबियों से पेट भरना पड़ेगा। मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है। ये अच्छा हुआ कि जलेबियाँ मिल गई, क्योंकि सुबह से ना मेरे को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा आ रही थी, मतलब मिठाई वाला मीठा। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, तो इसलिए कुछ लोग बाद में बैठेंगे।